नमस्कार, प्रभासाक्षी के क्षण ध्वनि कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ अर्चना द्विवेदी। होलिका दहन से 8 दिन पहले होलाष्टक शुरू हो जाते हैं, जो कि इस वर्ष 10 मार्च से 18 मार्च तक चलेंगे। फाल्गुन अष्टमी से होलिका दहन तक होलाष्टक के दौरान इन 8 दिनों में शुभ कार्य नहीं किए जाते, लेकिन देवी देवताओं की आराधना के लिए ये दिन श्रेष्ठ माने जाते हैं। इन 8 दिनों में विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, मकान, जमीन, वाहन क्रय और विक्रय आदि निषेध माने गए हैं। वहीं 14 मार्च से सूर्य देव मीन राशि में गोचर करेंगे। सूर्य के मीन राशि में गोचर करने पर भी शुभ कार्य वर्जित होते हैं। ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अनीश व्यास ने बताया कि हिंदू धर्म में होली के पर्व का विशेष महत्व है। साल की शुरुआत होते ही पहला बड़ा त्यौहार होली ही होता है। होली फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है, लेकिन फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से ही होलाष्टक लग जाता है। होलाष्टक शब्द होली और अष्टक से मिलकर बना है। इसका अर्थ है होली के 8 दिन। देश भर में होलिका दहन फाल्गुन मास की पूर्णिमा को किया जाता है। पूर्णिमा से 8 दिन पहले से होलाष्टक मनाया जाने लगता है। आइए जानते हैं होलाष्टक का धार्मिक महत्व क्या है, इस दौरान किन बातों का ध्यान रखना होता है और क्या क्या उपाय करने चाहिए। लेकिन उससे पहले, अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। होलाष्टक के दौरान दान पुण्य करने का विशेष फल प्राप्त होता है। इस दौरान मनुष्य को अधिक से अधिक भगवत भजन और वैदिक अनुष्ठान करने चाहिए, ताकि समस्त कष्टों से मुक्ति मिल सके। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार होलाष्टक में महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से हर तरह के रोग से छुटकारा मिलता है और सेहत अच्छी रहती है। आप जानते हैं क्यों लगते हैं होलाष्टक? डॉक्टर अनीश व्यास ने बताया कि होलाष्टक को लेकर एक कथा प्रचलित है कि राजा हिरण्यकश्यप अपने बेटे प्रह्लाद को भगवान विष्णु की भक्ति से दूर करना चाहते थे, और इसके लिए उन्होंने इन 8 दिन तक प्रह्लाद को कठिन यातनाएं दी। इसके बाद 8वें दिन बहन होलिका, जिसे आग में न जलने का वरदान था, उसकी गोद में प्रह्लाद को बिठाकर जला दिया, लेकिन फिर भी प्रह्लाद बच गए। अतः ऐसे में इन 8 दिनों को अशुभ माना जाता है और कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। होलाष्टक के दौरान 16 संस्कार सहित सभी शुभ कार्य वर्जित होते हैं। इन दिनों गृह प्रवेश या किसी अन्य भवन में प्रवेश करने की भी मनाही होती है। इतना ही नहीं, नई शादी हुई लड़कियों को ससुराल की पहली होली देखने की भी मनाही होती है। अब जानते हैं इन दिनों क्या उपाय करने चाहिए। यदि किसी कपल को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है तो वह होलाष्टक में लड्डू गोपाल की विधि विधान से पूजा पाठ करें। इस दौरान हवन भी करें, जिसमें गाय का शुद्ध घी और मिश्री का इस्तेमाल करें। इस उपाय को करने से निसंतान को भी संतान प्राप्त हो जाती है। यदि आप अपने करियर में तरक्की करना चाहते हैं तो होलाष्टक में यह उपाय करें। घर या ऑफिस में जौ, तिल और शक्कर से हवन करवाएं। ऐसा करके आपको आपके करियर में आने वाली सारी बाधाएं दूर होंगी और आपको सफलता मिलेगी। आप जिस भी फील्ड में काम स्टार्ट करेंगे उसमें आसानी से सफलता का स्वाद चख सकेंगे। यदि आप आर्थिक रूप से कमजोर हैं या अत्यधिक धन की कामना रखते हैं तो होलाष्टक में एक उपाय आपको करना चाहिए। कनेर के फूल, गांठ वाली हल्दी, पीली सरसों और गुड़ के द्वारा अपने घर में हवन करें। ऐसा करने से पैसों से जुड़ी सभी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। इतना ही नहीं, संपत्ति से जुड़े मामलों में भी लाभ होगा। अपनी अच्छी सेहत के लिए आपको होलाष्टक में महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। ये जाप करने के बाद गुग्गल से हवन भी करना ना भूलें। मान्यता के अनुसार ऐसा करने से असाध्य रोग से मुक्ति प्राप्त होती है। यदि आपके जीवन में अत्यधिक दुख है तो होलाष्टक में हनुमान चालीसा और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना शुरू कर दें। इससे आपके सभी दुख समाप्त हो जाएंगे। जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। आपकी लाइफ सुख सुविधाओं से सज्जित होगी। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगले सप्ताह फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।